नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 99 इंटरप्राइजेस। दोस्तों ये वही एटीवी है 200 सीसी की, जिसका मैंने अभी दो तीन दिन पहले वीडियो बना के असेंबलिंग का चैनल पर डाला था और लोगों ने इसको बहुत ही ने सराहा। आज हम इसका दोस्तों रिव्यू करेंगे, स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, सारी प्राइस बताएंगे इसका, और ये ट्रांसपोर्टेशन से कैसे जाती है वो भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों मैं सारी चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ ये आपको बता दूं, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जितनी भी ATVs हैं 125cc, 200cc, 300cc, ये सब की सब ऑफ रोडिंग के लिए होती हैं। इनके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होते, कहीं पर भी आप इसको ऑन रोडिंग पे नहीं चला सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड यूज के लिए ही होती हैं, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई इसके ना पेपर्स नहीं होंगे। चलिए दोस्तों हम आगे का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है 200cc ATV न्यू मॉडल, 2019 का ही मॉडल है, ये 2019 है। आप देख सकते हो कैमो कलर है दोस्तों। ये 200cc है ऑटोमेटिक, यहाँ से ये एक गियर आगे और दोस्तों एक गियर पीछे। 1 लीटर का ही इंजन ऑयल आता है इसमें, 1 लीटर का इंजन ऑयल। कोई भी बाइक मैकेनिक सर्विस रिपेयर कर देता है, इसकी जो सर्विस कॉस्ट भी है वो भी 1000 रुपीज़ के आसपास ही आती है। सिर्फ इसमें 1 लीटर का ना इंजन ऑयल चेंज होना होता है और इसमें जो वो स्पार्क प्लग है उसको हम साफ़ करते हैं या फिर उसको हम चेंज करते हैं। दोस्तों ये चेन ड्रिवन है, इसमें GY6 का सिंपल इंजन लगा हुआ है। दोस्तों ब्लॉक टायर्स है, फार्मिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऑन रोड भी चला सकते हो, बट ये ऑफ रोड यूज़ के लिए ही होती है। बट ये वाले टायर्स आपके सब जगह ना चलते हैं, ये पंचर भी नहीं होते आसानी से। दोस्तों आप देख सकते हो एग्जॉस्ट पाइप। दोस्तों सारी की सारी डिस्क ब्रेक्स है, सारी A to Z सारी की सारी डिस्क ब्रेक्स हैं। दोनों टायर्स में पीछे वाली में भी डिस्क ब्रेक हैं, आगे भी डिस्क ब्रेक्स हैं। ये दोस्तों 300 kg तक का वेट कैपेसिटी ले लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 200cc है और ये 300 kg तक का वेट कैपेसिटी है इसका। इसमें दो लोग भी ना बैठ सकते हैं, ये 2-सीटर है, ये प्रॉपर 2-सीटर है। मैंने इसका एक राइडिंग का भी वीडियो ना बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको इसमें ही लास्ट में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है, किक स्टार्ट भी है, इसको हम किक स्टार्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये सेल्फ स्टार्ट भी है। दोस्तों डिजिटल मीटर है। दोस्तों ये स्पोर्ट्स लुक है, रैप्टर मॉडल बोलते हैं इसको, ये स्पोर्ट्स लुक में आता है। ये है ना ATV के स्पोर्ट्स लुक में आता है। लाइट्स दिखाऊं मैं इसकी आपको, दोस्तों इसमें ही पार्किंग लाइट का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं चारों इंडिकेटर इसके लिए चलेंगे। दोस्तों एक हमारे ना ऑडियंस ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसका प्लीज़ मुझे ना बताइए कि हैंड ब्रेक का इसके अंदर कैसा है सिस्टम, क्योंकि जब हम स्लोप में भी खड़े होते हैं तो ये क्या नीचे तो नहीं आएगा। तो मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जैसे हमारी गाड़ियों में हैंड ब्रेक्स होती हैं उसी टाइप की इसमें भी ये हैंड ब्रेक को लॉक करने का ऑप्शन है। इसमें हमने ऐसे ये लॉक कर दिया, ये हैंड ब्रेक यहाँ की भी लॉक हो गई। दोस्तों ये भी हमने ना कर दिया, यहाँ की भी हैंड ब्रेक लॉक हो गई। तो अगर ये गाड़ी आपकी स्लोप के अंदर भी खड़ी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नीचे नहीं आएगी अपने आप, ये आप इसको आराम से रख सकते हो उसमें स्लोप। दोस्तों इसका 7 लीटर का वाटर ये पेट्रोल टैंक है। दोस्तों इसका
7 लीटर्स का पेट्रोल का टैंक है और जो इसकी एवरेज आती है वो 30 से 35 की आती है, ये टेस्टेड एवरेजेस हैं। नॉर्मल इसमें ना पेट्रोल डलता है, ये 4-स्ट्रोक इंजन है, नॉर्मल इसके अंदर नॉर्मल पेट्रोल आता है इसमें। अब दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा सा ना चलवा के ना दिखाता हूँ आगे पीछे, क्योंकि आज थोड़ी सी ना जगह नहीं है और बाहर शोर भी है और ना ट्रैफिक भी है और ये ट्रैफिक में ना अलाउड नहीं है इस, तो मैं आपको एक बार इन्हें दिखवाता हूँ। ये हाइट है इसकी, ये 6 फुट की है और ये आराम से इसके अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर ये दूसरा भी बैठ सकते हैं, ये प्रॉपर 2-सीटर है। मैंने जैसा कि बताया ये 300 केजी तक का वेट कैपेसिटी है। और दोस्तों इससे सस्ती ATVs इस स्पेसिफिकेशन के साथ ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ और ये मैं आपको एश्योरेंस भी देता हूँ कि इससे सस्ती ATV इन स्पेसिफिकेशन के साथ मिलनी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1,35,000 है। मैं रिपीट करता हूँ, 1,35,000, 1,35,000। दोस्तों आज मैंने इसका ये ना ऐसे ही एक वीडियो बनाया है रिव्यू स्पेसिफिकेशन का। अब मैं इसके बाद इसका एक राइडिंग का भी वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा। दोस्तों अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों बच्चों को प्यार दीजिए और अपने पेरेंट्स को सम्मान दीजिए। नमस्कार दोस्तों।